अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे दिवाली के मौके पर बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन, 1.5 कप चीनी, 1 कप घी, थोड़े पिस्ते चॉप किए हुए, इलायची का पाउडर। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन को गैस स्टोव पर रखा हुआ है। अब हम बेसन को पैन में डाल लेंगे। बेसन को हम घी डालने से पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि घी में उतना अच्छे से रोस्ट नहीं होगा हमारा बेसन, इसलिए घी डालने से पहले हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसमें से सोंधी सोंधी खुशबूएं आ रही हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी। मैंने 1 कप घी लिया है, उसमें से आधा घी अब यहाँ पर डाल रही हूँ। घी में हम बेसन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मिलाते हुए। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। बेसन को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें भून लेना है इसे। बेसन हमारा हल्का हल्का रोस्ट हो गया है। इसमें अब डालेंगे और 2 टेबलस्पून भर के घी को डालेंगे। डालकर दोबारा से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और 2 मिनट बेसन को हमारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बेसन अच्छे से फ्राई हो गया है घी में। मैंने जितना घी लिया था पूरा भी इस्तेमाल किया है। इस कंसिस्टेंसी में हमारा बेसन होना जरूरी है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के काजू का बूरा डाल लिया है। काजू को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, उसे अब मैं इसमें डाल लिया है। काजू का बूरा मतलब मैंने काजू को पीस लिया है, उसे भी हम हमारे बेसन में डालकर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब पानी को बेसन में स्प्रिंकल कर लिया है, ताकि बेसन हमारा दानेदार हो जाए। अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, बेसन को हमारे ठंडे होने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने बेसन को निकाल लिया है। ये बेसन को फैला लिया है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे, नहीं तो हाथ जल जाने का डर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 5-10 मिनट ठंडा होने दूंगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस देख लेंगे। अब हम बेसन पर डालेंगे इलायची का पाउडर। हमारा बेसन ठंडा होते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी। मैंने चीनी को दरदरा सा पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं किया है, ये घर की चीनी है। चीनी और बेसन को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मैंने चीनी को बेसन के मिक्सचर में अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हमारे एक दरमियाने साइज के लड्डू बना लेंगे। इस तरह से लेंगे। इस तरह से हमने सारे लड्डू को बना लेना है। ये देखिए, हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता, बनाने में बहुत आसानी से बन जाते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत इसमें होती है। मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।